पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ए ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग, यानी कि ट्रांसफार्मर रेटिंग का जो है क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या उसकी जो है खासियत होती है, वो सारी चीजें हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने क्या देखा था कि जो रेटिंग्स होती है ट्रांसफार्मर की, जो हमारी वोल्टेज रेटिंग होती है, करंट रेटिंग होती है, उसके बाद केवी रेटिंग होती है, तो ये सारी रेटिंग्स जो थी हमने पिछली बार देखी थी। आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो मैन्युफैक्चरर जो होती है डिजाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को। ओके, ट्रांसफार्मर को किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं? वोल्टेज एंड करंट जो होता है, वोल्टेज एंड जो करंट होता है, ओके, वोल्टेज एंड करंट के बेसिस पे जो है डिजाइन करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से। ओके, सो जो वोल्टेज एंड करंट जो रिक्वायर होता है ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के लिए, उसकी बेसिस पे फिर उसको डिजाइन किया जाता है। इनका डिजाइन फिर इसी बेसिस पे होता है। देन सप्लाई जो होता है, सॉरी स्पेसिफाई ये जो है किया जाता है डिजाइन के हिसाब से। तो ये जो उसका स्पेसिफिकेशन है वोल्टेज एंड करंट का, वो उसके नेम प्लेट पे दिखाया जाता है। किसके? ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे, जो कि बताया जाता है वोल्ट एम्पियर में। ओके, सो दिस इज रेफर्ड टू एज द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्ट एम्पियर में हमें रेटिंग मिलती है, ओके, करंट और वोल्टेज के बारे में स्पेसिफिकेशन मिलता है, उसको बोला जाता है रेटिंग, जो कि बताया जाता है ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे। सो दिस इज रेफर्ड टू एज द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर रेटिंग कैन ऑल्सो बी मैक्सिमम वोल्टेज, ओके, एंड करंट कैन बी द सेफली अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज की जो रेटिंग होती है, ये होती है मैक्सिमम रेटिंग, मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग। ओके, तो यानी कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज जो है उसका ट्रांसफार्मर का जा सकता है, उस हिसाब से उस ट्रांसफार्मर पे रन कर सकता है, उस हिसाब से उसकी मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग होती है। और करंट जो होता है वो होती है उसकी सेफ वैल्यू, यानी कि इससे ऊपर अगर चला गया तो फिर हमारे ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आखिरी लिमिट जो होती है, सेफ वैल्यू जो होती है, सेफ लिमिट जो होती है, वो होती है करंट की रेटिंग। तो अब जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो डिपेंड होती है किस किस पे डिपेंड होती है? डिपेंड्स ऑन ये जो रेटिंग है। ओके, सो रेटिंग डिपेंड्स ऑन कौन से टर्म्स है? यहाँ पे बताया गया है टेम्परेचर राइज, ओके, टेम्परेचर राइज जो कि डिपेंड होता है ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे। तो ये किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन ट्रांसफार्मर, ये जो है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है ताकि लिखने में जो है टाइम बच जाए। तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे जो है टेम्परेचर का राइज डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये लॉसेस पे डिपेंड होता है। अगर लॉसेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी जो है ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो रेटिंग है डिपेंड करती है टेम्परेचर के राइज पे, जो कि डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे। ओके, हाउएवर द टेम्परेचर कैन बी मेंटेन विद इन परमिसिबल लिमिट्स बाय यूजिंग द प्रॉपर कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम जो है एयर कूलिंग हो गया, ऑयल कूलिंग हो गया, तो जिस तरीके से भी हम जो है कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर को, उस कूलिंग के जो है मेथड से टेम्परेचर के राइज को जो है लिमिट किया जा सकता है। तो अगर टेम्परेचर राइज लिमिट हो गया तो रेटिंग में जो है हमें कम रेटिंग में जो है हमारा काम चल जाएगा। सो द ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ द कूलिंग सिस्टम द हायर द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो मैंने जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा टर्म गलत यूज कर लिया था, मैं यहाँ पे करेक्शन कराती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि
कूलिंग जो होती है, कूलिंग जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी ओके उतनी ही ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होगी वो हायर होगी। ओके रेटिंग क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, सेफ वैल्यू है, तो रेटिंग अगर हायर होगी ओके तो ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वाली जो है क्या कह सकते हैं क्वांटिटी जो होती है वोल्टेज और करंट की वो सस्टेन कर सकता है ओके तो कम वैल्यू पे ही यानी कम लिमिट पे ही जो है हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होगा। तो जो करंट है सपोज उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तब भी हमारे ट्रांसफार्मर को जो है किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि कूलिंग अगर इफेक्टिव होगी तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी जो है बढ़ जाएगी, यानी कि हाई वैल्यू पे भी जो है हमारे करंट की वजह से या फिर वोल्टेज की वजह से जो है ट्रांसफार्मर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ वाइस वर्सा सिचुएशन यहाँ पे है ओके। सो फॉर अ गिवन कूलिंग सिस्टम जो रेटिंग होती है इलेक्ट्रिकल मशीन की वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन की जाती है बाय द लॉसेस प्रेजेंट इन द मशीन। तो लॉसेस पे जो है कूलिंग सिस्टम का जो है कनेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया था। सो इन अ ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो है दो टाइप्स के लॉसेस होते हैं, कौन से लॉसेस, कोर लॉसेस एंड कौन से लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। ओके तो कांस्टेंट लॉसेस या फिर कोर लॉसेस जो कि डिपेंड होता है किस पे, वी पे, पोटेंशियल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज पे जो है डिपेंड होता है। एंड वेरिएबल लॉसेस की अगर बात करें जो कि होते ओमिक यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस, तो ये किस पे डिपेंड होते हैं, लॉसेस पे, सॉरी ये किस पे डिपेंड होते हैं, करंट पे, मैंने यहाँ पे गलती से लॉसेस लिख दिया, ये डिपेंड होते हैं करंट पे। तो कोर लॉसेस या फिर कांस्टेंट लॉसेस सॉरी वोल्टेज पे, एंड वेरिएबल लॉसेस जो कि होता है हमारा आई स्क्वायर आर, ये डिपेंड होते हैं वेरिएबल लॉसेस या फिर ओमिक लॉसेस जो है करंट पे डिपेंड होते हैं। तो जो टोटल लॉसेस डिपेंड होते हैं वोल्टेज पे ओके तो उसके हिसाब से टोटल लॉसेस जो होते हैं डिपेंड किस पे होते हैं, वोल्टेज एंड करंट पे। तो उसके हिसाब से सिंस जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की डिपेंड करती है लॉसेस पे, एंड लॉसेस डिपेंड होते हैं वोल्टेज एंड करंट पे, तो जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो डिपेंड होती है किस पे, करंट एंड वोल्टेज पे, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज वीआर रेटिंग्स। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, रेटिंग्स बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लॉसेस तो इसी पे डिपेंड है तो रेटिंग भी इसी पे डिपेंड होगी। तो जैसे ही लॉसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ लोड, तो पावर फैक्टर पे जो है इस तरीके से किसी भी तरीके से ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं पावर फैक्टर पे ओके। सो द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड एंड कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय लॉसेस। तो ये जो है पावर फैक्टर एंड लोड पे जो है डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे डिपेंड होते हैं ओके। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर के रेटिंग के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये बात बताई गई है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है या फिर साइज होती है ये जो होता है, ये सारी चीजें जो होती है, ये जो है पावर लेवल किलोवाट में, किलोवाट एम्पियर्स में जो है केवीए, इस रेटिंग में जो है यहाँ पे इसकी बताई जाती है। तो डिपेंड होता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है साइज है, ये इज इट्स पावर लेवल ओके, ये क्या होती है इसकी पावर लेवल होती है ट्रांसफार्मर की। तो जब भी कोई पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैल फंक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में से कोई भी अगर कोई चीज जो है मैल फंक्शनिंग करती है, यानी कि प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तब क्या होता है, सब मैक्सिमम टाइम जो है रीजन कौन होता है, हमारा ट्रांसफार्मर होता है। सो इन दैट केस अगर प्रोबेबली नीड टू रिप्लेस योर ट्रांसफार्मर, अगर वो खराब हो गया तो हमें उसको जो है रिप्लेस कराना है। सो व्हेन यू डू, यानी कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक जो है करेक्ट किलोवाट एम्पियर रेटिंग को जो है चूज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर की
रेटिंग जो है ये रोल प्ले करती है, ये सिग्निफिकेंस रखती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये सारी चीजें जानना कि क्या होता है हमारे ट्रांसफार्मर का रेटिंग, किस तरीके से उसको डिसाइड किया जाता है और उसका क्या रोल होता है हमारे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, और साथ ही साथ उसी के हिसाब से पूरे के पूरे पावर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेफ्टी के लिए। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस, जो कि है ट्रांसफार्मर रेटिंग का सिग्निफिकेंस। ओके, अब इसके बाद जो है हमें देखना है ट्रांसफार्मर नो लोड एंड ऑन लोड फेजर डायग्राम, लीकेज रिएक्टेंस। तो ये सारे टॉपिक्स हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।